नमस्कार, आप देख रहे हैं षड्यंत्र और मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। षड्यंत्र में आज जुर्म की चार बड़ी खबरें। एक गैंगस्टर की खूनी रंजिश, दूसरी एक बेटे के सामने पिता की हत्या की, तीसरी गुमशुदगी के राज कत्ल में खुलने की, और चौथी मौत पर इंसाफ की। तो शुरू करते हैं आज का षड्यंत्र। दोस्तों के साथ कैंटीन में देर रात खाना लाने गया था, मगर उसे क्या मालूम था कि मौत उसका वहां बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। नहीं मालूम कि वो रंजिश ही थी या कोई रसूख का नया खेल जिसने ले ली जान रोहतक के लॉ स्टूडेंट वीरेंद्र की। बोला था ये लड़का वहाँ पीती में रहा करता था और वही पढ़ा करता, वहाँ खाना लेने गया था। तीन चार उसके और दोस्त थे साथ में, अंकित चांद, अमित लाठर, फोगाट, अंकित थे जी। वो गाड़ी में से उतरे, तीन चार पांच थे, चार पांच लड़के उतरे और उन्होंने सीधा लड़के का अटैक कर दिया। लोग क्या कर लेते थे, मेडिकल लाए थे। कारण क्या था जितन जी से? क्या कारण? कुछ ना था सर, कारण तो क्या बोला गया थे, दोस्त वोस्त था, मैं क्या हूँ भाई, किसके गल दो दो वो थी, जैसे वो तो थी, उसका प्रश्न करो तो दोस्त थे नहीं सर। छोटू राम कॉलेज में लॉ की पढ़ाई करने वाला वीरेंद्र बुधवार की रात करीब 10 बजे अपने साथियों के साथ नव भारत कैंटीन में खाना लेने गया हुआ था। तभी एक I-20 कार आई और कार में बैठे बदमाशों ने बंदूक का मुंह वीरेंद्र की तरफ मोड़ दिया। शाम 10 बजे पांच लड़के खाना खाने के लिए शिला पाई पर आए थे। खाना पैक करवाने के बाद जैसे ही वो होटल से बाहर निकले, एक स्विफ्ट I-20 गाड़ी में पांच लड़के आए, जिन्हें उतरते ही वीरेंद्र राम के लड़के वो गोली मार दी और तुरंत ही गोली मारकर गाड़ी में बैठकर भाग गए। वीरेंद्र को PGI ले गए तो उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है, जिनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सुना है कि वीरेंद्र का कथित गैंगस्टर विक्की बॉक्सर से झगड़ा हुआ था और इसी बात पर दोनों की रंजिश चल रही थी। इल्जाम है कि इसे रंजिश ने पिया है लहू वीरेंद्र का। किसी के साथ पहले कोई झगड़ा? मैं उसका कहा था किसी का झगड़ा नहीं आ गया वो था। अच्छा, बता रहे हैं कि इसके छोटे भाई का कोई मारपीट हुआ था? छोटे गोनी थी भी, दोस्तों कोई कितना कोई कितना का, वो घर का तो कोई है नहीं। क्या करने गए थे जी वहाँ? वही रहता है सर, वही खाना लेने गए थे, इसी ला भाई पास सर, वही PG है। अभी क्या चाहते हैं? और सर जन्मदिन था नहीं, पापा पैसे डलवा दिए। हम ये चाहते हैं सर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और हमारे ठीक है ये सर जो भी दोषी को सजा मिले सर। आरोपी कौन थे, क्या कांड था, कुछ पता चला? कितने आरोपी? ये पांच लड़के थे जिनकी 25 तारीख को झगड़ा हुआ था आपस में। वो पांच लड़के थे, उनमें एक विक्की बॉक्सर, एक विजय, एक राहुल, एक अमन, एक दीपक। अच्छा, गोली किसने चलाई थी? ये विक्की नाम के लड़के ने गोली मारी है। कहाँ? आज एक गोली मारी। अभी पुलिस ने कोई अरेस्टिंग की इस मामले में? अभी तक उनकी तलाश की जा रही है, जिनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। वीरेंद्र की मौत का इल्जाम कई वारदातों में वांछित रहे गैंगस्टर विक्की के सर पर है, जिसके गिरफ्तार पर पुलिस के हाथ कब तक काबिज होंगे कोई नहीं जानता। रोहतक से हरियाणा न्यूज के लिए अशोक तोमर की रिपोर्ट। गांव के ही कुछ दबंग देर रात एक घर के सामने आते हैं, भद्दी भद्दी गालियां देते हैं और विरोध करने पर देते हैं मौत बड़ी बेदर्दी से। एक
एक छोटी सी बात पर बना विवाद भीम सिंह की जान ले गया और बेटा आया है अपने पिता की मौत का इंसाफ मांगने। फादर नेम भीम सिंह है, जाति रोड है, गांव कुराना, डिस्ट्रिक्ट पानीपत जी। 15 दिन पहले 2 लड़के थे जी, एक मनीष है और एक ये कालिया जी। घूंट गांठ लगा के जी बारने आगे खड़े थे, फक्तियाँ कस रहे थे, बकवासबाजी रच रहे थे। मेरे फादर ने कहा भाई अपने बारने चले जाओ, मेरे दरवाजे आगे नहीं खड़े हो और यहाँ से निकल जाओ। उन्होंने कहा भाषा भी करी, गाली गलौज करी। तो 15 दिन पहले की बात है ये। तो उसके बाद आज उन्होंने मौका लगा के उसको पकड़ लिया। वो मान लें डंडे वगैरह भी ले रहे थे और उन्होंने पटक पटक धरती में, तो उन्होंने उसको डेड घोषित कर दिया, डेड हो चुका है वो। आप उनके लड़के हैं? मैं उनका लड़का हूँ जी। शिकायत पुलिस में करी आपने? शिकायत हो चुकी है जी, रुका भेज दिया इन्होंने। एक्सुरिसमैन फौजी है जी, जो ये भीम सिंह है। इल्जाम है कि पानीपत के गांव कुराना में भीम सिंह को दबंगों ने पहले भद्दी भद्दी गालियां दी और फिर पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिली थी वैसे से भीम सिंह सनोपुरसीराम की लड़ाई झगड़े में या उसकी मृत्यु हुई है, कार्रवाई के लिए भेजे, इन्फॉर्मेशन मिली थी सिविल हॉस्पिटल से। मौके पे आए हैं अभी, मौके पे आके जरा हालात बातचीत कर रहे हैं इसके बारे में। किस गांव की घटना है सर? पुराना गांव की। पुराना गांव। उस संबंध में हम अभी परिजन मिले हमारे को जी, तो उस संबंध में हम इनसे जो कंप्लेंट देंगे उस पर जो कार्रवाई वो करेंगे, कार्रवाई सख्ती से कार्रवाई करेंगे। कुछ नाम भी दिए सर इन्होंने? वो अभी अभी कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद जैसे सामने स्थिति आएगी और कुछ स्पष्ट करते हैं। पिता की मौत का इंसाफ मांग रहे बेटे को क्या कानून की चौखट निराश करेगी या फिर सुन लेगी दुहाई दर्द की? पानीपत से हरियाणा न्यूज के लिए जितेंद्र मोंगा की रिपोर्ट। एक हंगामा, एक शोर मचा है उस एक मौत पर जिसका कातिल बंदूक लहराकर खुलेआम घूम रहा है। खबर फतेहाबाद से है। ये हंगामा, ये शोर उस मौत पर है जिसका इंसाफ तक नहीं मिला और दावे हजार हैं। सुनिए। मामला 23 अप्रैल को ये इंसिडेंट हुआ था, उसमें जो मेन एक्यूज था उसमें 3 घंटे के बाद सरेंडर कर दिया पुलिस को, लेकिन पुलिस का कहना है कि हमने उसको अरेस्ट किया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, उसने खुद ने सरेंडर किया था। उसके बाद जो उसका भाई है बड़ा अंतर सिंह उर्फ विनय कुमार, जो मास्टरमाइंड ही इस केस का, ठीक है, उसने ब्रेन वॉश करके भेजा, लेकिन आज पुलिस ने 48 आवर्स का अल्टीमेट दिया है कि हम उसको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन उसको अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। आज 10 दिन हो चुके हैं, उसकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं है क्योंकि जो बराड़ा साहब हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उनकी रिश्तेदारी है डाणी सांतला गांव में, और डाणी सांतला गांव में जो अंतर सिंह है मास्टरमाइंड उसकी रिश्तेदारी है। इस वजह से कोई पॉलिटिकल प्रेशर हमारे पास है नहीं, हम गरीब लोग हैं, लेकिन उनकी इतनी पावर है, इतना सब कुछ है, उस वजह से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जी। और पुलिस बोल रही, हमें बोल रही है कि आप एविडेंस लेके आओ, हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। एविडेंस लेना हमारा काम है या पुलिस का? दूसरी बात जी, उसकी 23rd, 24 और 25 को उसने कैजुअली ले रखी जी आज पर रिकॉर्ड, और उस रजिस्टर की कॉपी हमारे पास है, लेकिन फिर भी पुलिस बोल रही है कि उसका कोई हाथ नहीं उस केस में। फतेहाबाद के गोरखपुर में बीते 23 अप्रैल को एक रिटायर्ड फौजी की सनक का शिकार हुए एक परिवार ने लघु सचिवालय का दरवाजा खटखटाया तो पुलिस प्रशासन बेकाबू हो गया। जो उसको अक्टूबर 17 में जो रिटायर हुआ फौजी, उसका जितना पैसा था उस डॉक्टर के अकाउंट में है, 35 लाख पूरा का पूरा पैसा, इतना पैसा उसके अकाउंट में है। उसने 23, 24 और 25 की छुट्टी ली हुई है, 22 का संडे था। इतने एविडेंस होने के बाद भी आज 10 दिन के बाद भी पुलिस ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। हम SP से मिले, सब से हम मिल रहे हैं, एक ही रिप्लाई कर रहे हैं, जो दोषी होगा हमने उसे पकड़ ही रखा, मैंने क्यूट को, वो दोषी नहीं है तो हम उनको गिरफ्तार कैसे करें? वो अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया, 120B लगी हुई है, अभी तक तो उसमें कोई तफ्तीश ही नहीं की जी, पुलिस ने पहले ही उसको निर्दोष करार दे दिया जी। आज पूरा गांव यहाँ पे इकट्ठा होकर आया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही जी। पुलिस की हमने मानी, पुलिस ने बोला कि आप अंतिम संस्कार कर दो, हमने कर दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जांच टीम बना रखी है, जांच जारी है,
और वो जो जिनके नाम है जो शामिल जांच किए जाने हैं वो दिन भी जो भी उनके एड्रेस थे या जहां वो नौकरी करते थे वहां पर नहीं है। उनके लिए मैंने टीम बाहर भी भेजी है, उनकी रिश्तेदारी में भी टीम भेजी है, उनको जल्दी से जल्दी शामिल जांच किया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को भी आपसे ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन होती है कि मुकदमे को जल्दी से जल्दी लॉजिकल एंड पे पहुंचाया जाए। ठीक है, आप किसी भी उसमें ये ना समझें, पुलिस का अपना काम है, पुलिस अपना काम कर रही है। ठीक है, अगर कोई शामिल जांच नहीं हो रहा तो उसको जल्दी ही किया जाएगा। 10 दिन से मिल रहे आश्वासन पर पुलिस के दावे बड़े हैं, मगर दर्द के इन मारों को चैन मिले तब तो। फतेहाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए जितेंद्र मोंगा की रिपोर्ट। चार दिन की गुमशुदगी, मौत के राज पर जाकर कैसे खुली, इस ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको। जारी है षड्यंत्र। चार दिन की गुमशुदगी, मौत के राज पर जाकर कुछ इस तरह खुली कि भौचक्का रह गया हर कोई। 1 मई को आगरा नदी में कत्ल का सुराग मिला और तफ्तीश शुरू हुई। चार दिनों की गुमशुदगी, मौत के राज पर आकर खुली तो भौचक्का रह गया हर कोई। फरीदाबाद के बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर ललित हत्याकांड का षड्यंत्र आखिरकार खुल ही गया। पंचायत हो रही है, किस विषय में हो रही है यहाँ पे पंचायत? ये ललित रावत हत्याकांड के ऊपर आज दूसरे दिन पंचायत थी, जिसमें पूरे ही हमारे 12 गांव जो हैं और आस पड़ोस के जो गांव हैं, 36 बरादरी के लोग मौजूद हैं, सारे मौजूद लोग। क्या आश्वासन मिला? DCP साहब आए थे कल भी, DCP साहब ने आश्वासन दिया था और कई चीज़ें वो यहाँ आश्वस्त करके गए थे, जिनके बारे में आज सुबह पुनः आके उन्होंने बताया। एक तो उन्होंने बताया कि हत्या की धारा 302, अपहरण की धारा इसमें जोड़ दी गई है और एक SIT गठित की है उन्होंने, जो बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं पुलिस के, प्रिंसिपल सांगवान जी और अन्य 5 जो लोग हैं। 1 मई को आगरा में तैरती लाश मिली तो यकीन हो चला कि ललित किसी की साजिश का शिकार हुआ, मगर किसकी, तहकीकात शुरू हो चुकी है। यहाँ पे गांव के और अड़ोस पड़ोस के सारे मौजूद लोग थे तो उनकी इसके संबंध में कुछ मांगे थी, कुछ समस्याएं थी, तो हमने उनको निष्पक्ष जांच का एक SIT बना दी गई है 5-6 ऑफिसर्स की, उसका आश्वासन दे दिया। इनकी मुख्य ये थी कि भी उसमें 302 और अपहरण की सेक्शन लगा दी जाए, वो सेक्शन हमने ऐड कर दी गई हैं और उस पर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन का आश्वासन दिया और जल्द से जल्द इस केस को ट्रेस करके और इनको अवगत कराया। ललित की मौत पर इंसाफ का प्याला गांव में शोर बनकर गूंजा तो पुलिस संजीदा नजर आई और SIT बना दी। उनके आश्वासन के बाद पूरी सरदारी को ऐसा लगा कि पुलिस कल से एक्शन में है और जल्दी ही शायद गुनाहगारों को अरेस्ट कर लेगी, इसलिए अब ये निर्णय लिया है सभी समाज ने कि अब अंतिम संस्कार कर दिया जाए ललित का मिट्टी को, ताकि शांति मिले। और आगे भी अगर पुलिस थोड़ी बहुत ढीली रहेगी या उसकी कार्यशैली में किसी तरह का भी कोई ढीलापन दिखेगा, सारा समाज एक साथ है, किसी भी लेवल तक हम लोग जाएंगे। कातिलों की गिरफ्तारी का वादा किया तो परिजन थोड़ा संभले और मान गए दर्द की इस दवा पर थोड़ा एतबार कर। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजा पटेल की रिपोर्ट। तो आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आप रहें सावधान और देखते रहिए हरियाणा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।